सो गाइस, आज अम्मी फ्राइड राइस और पुलाव समथिंग ऐसा कुछ बनाई, और गोश्त वगैरह जो बना हुआ है। आज का दिन इतना हेक्टिक सुबह से रहा, सुबह से काम कर रही थी, फिर थोड़ा यमुना की तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल लेके गई। आज भाभी नहीं है, वो भी चेकअप के लिए गई हुई है हॉस्पिटल। फिर आके घर में कब से काम कर रही, तो कुछ भी शूट नहीं की, तो सोची अच्छा खाना ही दिखा देती हूँ अभी। और आ रहा है ये, सिर्फ मैं राइस लेके आई हूँ और अम्मी दे रही है। अभी जस्ट नहा के आई हूँ, इतनी ज़्यादा आज ठंड जा रही है, फिर भी आज थोड़ा हवा ववा जैसा हुआ है, ठंडा ज़्यादा लग रहा था, सो हीटर ऑन करके थोड़ा बैठे थे। फिर अभी खाना आया है, 4 बजने को है, इतना लेट से खाना हो रहा है, फिर भी अभी खाते हैं, फिर आपको और आता है सामान तो दिखाते हैं और साथ में है क्या। आ गया है, ये है खाने के साथ आलू गोश्त, और ये सलाद का पूरा गमला आ गया। सो ये कॉम्बिनेशन, अभी खाना एंजॉय करते हैं, फिर आपसे देखते हैं, शाम तक मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं घर पे थी और आज इतना काम था कि मैं कुछ भी शूट नहीं की। अभी हो रहा है शाम का वक्त और मैं अपने लिए बना के लेके आई हूँ कॉफ़ी, बिकॉज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चाय भी बना हुआ है बट मैं थोड़ा स्ट्रांग टाइप का कॉफ़ी बना के लाई हूँ, चाय भी पिया जाएगा। सो ये चाय कॉफ़ी का तो ये नशा टाइप का है, तो ये चलता रहता है। सो आज का ब्लॉग मीन्स के यहीं से शुरू करती हूँ, और कल का दिन कैसा रहता है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारे वीडियोस एंड ब्लॉग्स में जो लास्ट मैंने अपलोड किए हैं और आगे जो अपलोड करूँगी। और आप लोगों के बहुत सारे सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। सो गाइस स्टे ट्यून। गाइस सुबह से हो गया नाश्ता पानी, यहाँ पे जो आए हैं बांग्लादेश से लोग वो मेरे रूम में यहाँ पे चटाई पे नाश्ता करते हैं, और मीन्स ज़्यादा लोग हैं तो डाइनिंग पे सेट वेट नहीं हो पाता है, तो सब लोग यहाँ पे नीचे बैठ कर खाना भी ज़्यादा सही है, पूरा दस्तरखान में सब लोग साथ में खाते हैं। और ये मुझे अभी पैसा मिला है कि ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर किया उन लोगों ने, तो वो आएगा, वो आज जा रहे हैं साइंस सिटी घूमने, तो मैं रिसीव कर लूँगी। आज मैं घर पे हूँ डेट्स वाइज, तो अभी और भी घर का काम करते हैं और आज का दिन कैसा रहता है आपके शेयर करते हैं, स्टे ट्यून। सो गाइज, ये ट्विन सिस्टर जो है बांग्लादेश से आई हैं, अभी घूमने जा रही हैं। कहाँ घूमने जा रही हैं? साइंस सिटी। और एक है जो सेम सेम आ रही है, वेट वेट, आजा बहन आजा, आओ नफीसा नफीसा कमी। सो गाइज, ये दोनों सिस्टर आ गई हैं और दोनों कितनी प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार स्माइल कर दो नफीसा, वाई आर यू सो सीरियस। सो कहाँ घूमने जा रही हो? साइंस सिटी जाओ, एंजॉय करना, बहुत एंजॉय करना, फोटोज लेना, घूमना फिरना और आ जाना। और जूता उल्टा पहनी हो? सीधा है, ठीक है ठीक है, गुड। अच्छी लग रही है लोग नामी, देखिए दिखा दो, वो दो चॉकलेट मिला है दोनों को। अब ये लोग जाएंगे रास्ते में, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे और क्या। ये सो गाइज, आ गया है मेरा दिन का खाना। सुबह से तो मैं इतना काम की हूँ कि मैं कुछ शूट ही नहीं की हूँ, बस वो ट्विंस जो जा रही थी उसके बाद से कुछ भी शूट नहीं की हूँ, और नमाज पढ़ी हूँ, और अभी जस्ट खाना आ गया है मीन्स के लेके आई हूँ, और खाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं इवनिंग तक क्या होता है, जो भी होगा आपको दिखाते हैं। और घर पे रहो मतलब काम काम काम, और फिर हो जाती है शाम, और फिर देखते हैं क्या होता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। चले दौड़े भागे। सो गाइज, फाइनली आई एम रीच्ड हियर, अब चलते हैं, लेट हो गई आज। सो गाइज चले जी, क्लास खत्म हो गई, अब घर को चलते हैं, और सियालदा से कुछ शॉपिंग भी करना है वो भी चलते हैं। सो गाइज फाइनली सियालदा आ गए, और ये पागल आदमी ट्रेन में सबको परेशान कर रहा था, ये सामने झूला लिया हुआ है, और अभी चलते हैं थोड़ा कुछ खाएंगे बिकॉज आज बहुत भूख लगी है, और थोड़ा एनर्जी से शॉपिंग करेंगे। सो गाइज, यही बिस्किट मिला है खाने के लिए, और अब चलते हैं थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। सो गाइज, अब चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा रुक के मैं खा पी, हाँ या दो बिस्किट ही बस खाई हूँ, चलते हैं। सो मैं आ गई हूँ इधर, और नीचे है ये सारे आउटलेट्स, अभी चलते हैं वहाँ। सो गाइज, हो गई है शॉपिंग। सो गाइज, हो गई है मेरी शॉपिंग डन, अब चलते हैं ट्रेन लेते हैं और घर के लिए निकलते हैं। भाई साहब लेट हो रही है, बट मैं कर लेती हूँ, यहाँ लोगों का रश मचा हुआ है, कोई ट्रेन अनाउंस जरूर हुआ होगा। बैक टू होम। सो गाइज, मैं उतर गई हूँ, बट आज का वेदर था वेदर काफ़ी अजीब हो रहा है आज, पता नहीं गाइज वेदर अजीब ही हो रहा है। जाती हूँ ऑटो लेती हूँ, घर जाती हूँ बारिश से पहले। तो गाइज, मैं भी क्लास एंड शॉपिंग के बाद जैसे कि आप देखें आ रही हूँ, वेदर अजीब सा और अच्छा है, बारिश से पहले मैं घर पहुँच गई, बहुत हवा तेज चल रही थी, और आ गया मेरा नाश्ता।
नाश्ता मीन्स खाना दोनों सब साथ में, बिकॉज 3 बज गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं, बाकी बार रात का खाऊंगी। और ये होता है मेरा मिडिल, ब्रेकफास्ट कम लंच सब मिक्स्ड रहता है भाई। सब इंजॉय करते, भूख लगी है, बहुत टायर्ड हूँ और फिर नहा लूंगी। अभी पहले खा लेते हैं, आज पहले खाना, हाथ मुंह धो के पहले खाने बैठ जाओ यार। सो गाइज, मेरी अम्मी को मेहंदी लगा रही हूँ मैं, ऐसे ही बिन मौसम बरसात वाला हाल है। सो गोल गोल बैठ के मेहंदी बच्चा हुआ तो लगा दुआ। तुम्हें भी लगाना है मेहंदी? नहीं लो दोती हो, ठीक है। सो लगा देते हैं और एक हाथ में बाकी और पाँव में। ओके बाय बाय। पूरा लाइट ऑफ है, लाइन लगाओ जल्दी से, सबसे छोटा से सबसे बड़ा, जल्दी लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। यस कम हियर, लाइन लाइन लाइन, रुको अभी सब सब आ जाएगा तब देंगे। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ ठीक है, अभी दीची दाड़ा क्या चाहिए, रुको मेरा बच्चा को आ जाने दो। तो तुम लोग बिस्किट शेयर करके खा लेना दोनों बहन। रुको रुको, ये लो ये लो, एक उसका लो, एक उसका। अम्मी वो नफीसा है अम्मी। सो हो गया सबका, कोई थैंक यू नहीं बोला है और उलेंगे बाय जाओ। क्यों तो तुमको क्या हो रहा है उससे, चलो निकलो। सो गाइस चलते हैं, चाय सर्व करते हैं अपने खास मेहमान। मेहंदी दिखा दो, मैं मेहंदी लगा के घूम रही हूँ, बेटी विदा कर रही हूँ। गाइस जो भी मैं योगा सीखी हूँ मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, इनका पांव देखे, ओ माय गॉड। इसे बोलते हैं कौन सा, गोमुख आसन, जो काउ फेस, अरे लोग का काउ फेस नहीं भैंस फेस बना हुआ है। और ये हाथ भी देखे पूरा, जो भी माशाल्लाह एवन एवन। वो लोग बहुत ही हैप्पी है ये करके, गुड गुड। तुम लोग और बहुत आगे जाओगे, रुको अभी मैं दूसरा करके बताती हूँ। और सोने वाला पाँव उठाओ, दोनों पाँव पाँव उठाओ, तो वीडियो कौन बनाएगा, तुम करो फिर हम करेंगे। ये ओए होए ओए होए गाइस, हो गया नेक्स्ट डे। और मेरा कीचू कल रात से यही है मेरे पास था, और अभी नहावा के रेस्ट कर। आज हमारे घर में है बहुत ही दावत, बहुत लोग आने वाले, पूरा रूम ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब पूरा। कब से मैं साफ सफाई कर रही थी, कुछ भी सूट नहीं की हूँ, क्या सफाई बार बार दिखाऊं यार। और अभी मैं लगी हूँ, ये एक सऊदी से आया था ये वाला था, और इसको जब फाड़ने से इसके अंदर जो खजूर रहता है ना, उसका बीच की जगह आलमंड है, ऊपर से कोटेड चॉकलेट है एंड इसके अंदर आलमंड है और खजूर है। क्या लजीज लग रहा है, मतलब क्या ट्रिक लगाया है, ऑसम ट्रिक। सो अभी खाते हैं और ये रूम भी थोड़ा सा साफ करते हैं और फिर नहाते हैं, और फिर आज का दिन बहुत ही हेक्टिक होने वाला है, सबको सर्व करना पड़ेगा। अब पे भी आने वाली है क्योंकि किस रात से यही है, और उनका भी दावत है, जेजे भी घर पे, आज छुट्टी है। सो सब लोग आएंगे, सबसे मीटअप होगा, सो अच्छा लगेगा। सो अभी नाव नाव, बाय 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 बाय, बहुत काम है गाइस। मैंने रात को बैग पैक करके रखा था, उसमें अपना सारा ट्यूशन का कॉपी वगैरह सब रख दी थी, बट मेरी सुबह में आँख ही नहीं खुली, मेरा क्लास एब्सेंट हो गया। सीरियसली मैं एब्सेंट करना नहीं चाहती हूँ क्लास, और मेरी नींद की वजह से आज मेरा क्लास एब्सेंट हुआ। नींद नहीं हो पा रही है रात को, और सुबह में आँख नहीं खुली, ऐसा हो गया, दिमाग सा खराब हो गया। फिर आज घर में ही हूँ, घर का भी काम करेंगे, देखते हैं क्या मिस होता है, देखेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। सुनो बाय बाय। सो गाइज, आज क्लास तो एबसेंट हुआ ही हुआ, और अभी मैं जस्ट नहा के कुछ देर पहले आई हूँ, बज रहे हैं 4:10, और अभी मैं दिन का खाना शाम के वक्त खा रही हूँ। ऐसा हेक्टिक, इतना काम इतना काम, मेहमान हमारे घर पे रुके हुए हैं, सो थोड़ा और भी काम है, और काम तो काम, मतलब हमेशा हमारे घर में इंक्रीज ही होता है, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन घर में रहो, घर का इतना काम करो कि कर करके चूर हो जाओ, और खाते का वक्त इतना लेट हो जाता है। सो गाइज, आ गया है मेरा रात का खाना, और दिन के खाने के बाद मींस के जो वीडियो उठाया उसके बाद जो स्याप्पा लगा, मेरे जो चावल दाल था उस दाल में कोई नमक डाल दिया था, मींस बच्चा लोगों थी परी और फातिमा, जो वो लोग अच्छे से धुलाई है, बिकॉज मेरा किचन ओपन है और बच्चा लोग बदमाशी करके पूरा, अच्छा है कि मेहमान खा लिया था, वरना बेइज्जती का बास बनना था। मैं लेट खाई थी 4 बजे तक, और उस टाइम पता चला कि दाल में नमक जहर हुआ हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम, टाटा बाय बाय, टेक केयर।